Assalamu alaikum class, my name is Muhammad Hashim Zia and you are watching derivatives lecture video. Mera beta, hum logon ne last video lecture ke andar derivative ka introduction padha tha. Agar aapne video lecture nahi dekha to kindly main recommend karunga aap jaake sabse pehle us video lecture ko dekhen. Humne ye padha derivative hota kya hai, kyunki normally intermediate ke bachche ko, federal board ke bachche ko bahut issues aate hain ki bhai derivative kya cheez hai, derivative kya cheez nahi hai. To maine bahut detail ke andar derivative ka pehla topic ke upar lecture video aapko di, jo kya thi power formula ke upar, jo ki sabse zyada derivative ke topic ke andar formula use hota hai. आज की वीडियो लेक्चर हमारा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नॉर्मली एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूलास के ऊपर. अच्छा, मैं बहुत डिटेल में मेरा बेटा आपको लेक्चर वीडियोस डिलीवर करूंगा इंशाल्लाह, कि आपको इजीली वो तमाम के तमाम टॉपिक्स समझ में आएंगे जो टॉपिक्स आपको आज से पहले समझ में नहीं आते थे, या फिर डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन का नाम सुनकर अगर आपके कजनों को सख्तादारी होता था या आपको सख्तादारी होता था आज से पहले कि पता नहीं कौन सा मुश्किल तरीन टॉपिक होगा मैथ्स का. यकीन मानिए, अगर मेरी वीडियो लेक्चर देख रहे हैं और मेरी मुझसे पढ़ रहे हैं मैथ्स, सेकेंड ईयर की मैथ्स, फेडरल की मैथ्स, कोई भी मैथ्स अगर मुझसे पढ़ रहे हैं, तो आपको मैं इतनी गारंटी देता हूं कि भाई आप बहुत इजी तरीके से इन तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे. मैं चैप्टर नंबर 4 इंटरमीडिएट बुक का, चैप्टर नंबर 4 जो आपके पास है डेरिवेटिव्स का, उसके क्वेश्चंस करवाने से पहले आपको हर टॉपिक को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं और उसकी तमाम की तमाम एग्जांपल्स क्वेश्चन भी साथ साथ करवा रहा हूं, ताकि आपको इजीली आइडिया हो सके कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है डेरिवेटिव, किस तरीके से आप उसको सॉल्व कर पा रहे होते हैं. अच्छा, हमारे पास अगेन एक्सरसाइज 4.2 हम नॉर्मली स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द. एक्सरसाइज 4.2 सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 4 डेरिवेटिव्स की. बट उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए डेरिवेटिव के. जिस तरह एक जो बच्चा होता है, उस बच्चे को हम इंटरमीडिएट की मैथ्स नहीं पढ़ा देते फौरन से, नर्सरी क्लास के बच्चे को, बल्कि उससे पहले नर्सरी क्लास पढ़ाई जाती है, देन क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, और करते करते आप उसको फिर मैट्रिक या इंटरमीडिएट की मैथ्स पढ़ाते हो. उसके पीछे रीजन क्या होती है, बच्चे की बेस नहीं होती, आप उसको बेस प्रोवाइड करते हो, उसकी बेस बनाते हो. तो यही काम मेरा है कि मैं आपको पहले तरीके से समझाऊं कि अगर आपके कजनों ने या आपके घर वालों ने आपको कभी बताया था कि मैथ्स का सबसे मुश्किल टॉपिक डेरिवेटिव होता है, तो आज के बाद आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए इन वीडियो लेक्चर्स को देखने के बाद. अल्हम्दुलिल्लाह, ये पढ़ाने का मेरा कमाल है और इसी के लिए शायद आप मेरी वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं. अब आपके पास क्या टॉपिक आ रहा है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव. अच्छा, अब मेरा बेटा मुझे एक बात बताओ, बेसिक अलजेब्रा मैथ्स करते आ रहे हो जिंदगी के अंदर, बेसिक सिंप्लीफिकेशन मैथ्स करते हुए आ रहे हो, तो जिस तरह की वो मैथ्स होती है बिल्कुल वैसे ही आपके पास यहाँ पे डेरिवेटिव की एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है. सर समझ में नहीं आई आपकी बात. बेटा कहने का मकसद ये है कि अगर कभी भी दो फंक्शन जो आपस में एड हो रहे थे उनके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हो जाए, तो डेरिवेटिव सिंपल तरीके से बारी बारी दोनों फंक्शन पर अप्लाई होता है. यानी कि कोई न्यूटन की साइंस अप्लाई नहीं होती, कोई आइंस्टाइन का इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता, कोई मुश्किल बात नहीं है ये. सर आपने क्या कहना चाह रहे हैं, बेटा मैं कहना चाह रहा हूं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला डेरिवेटिव का बहुत ही इजी सा है. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ब्रैकेट है, उस ब्रैकेट के अंदर एक फंक्शन है fx और एक फंक्शन है gx, यानी कि g भी एक फंक्शन और f भी एक फंक्शन है. ये दोनों फंक्शन आपस में इधर एड हो रहे हैं या फिर इधर माइनस हो रहे हैं, मैंने प्लस माइनस से एक ही बार फॉर्मूला लिख दिया. मैंने बोला कि इतना आसान फॉर्मूला है कि आप लोग इजीली समझ जाओगे. क्या फॉर्मूला है कि अगर एक फंक्शन है fx और दूसरा फंक्शन है gx, ये दोनों फंक्शन आपस में इधर ऐड हो रहे हैं या फिर इधर सबट्रैक्ट हो रहे हैं, इनसे पहले कि आ जाए डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव कहता है कि बारी बारी दोनों के ऊपर मैं चला जाऊंगा, जिस तरह अलजेब्रा के अंदर होता है भाई. तो डेरिवेटिव क्या होगा, बारी बारी दोनों फंक्शंस के ऊपर अप्लाई हो जाएगा. किस तरीके से सर, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इस बात को? बिल्कुल मेरा बेटा मैं कर सकता हूं. डेरिवेटिव एक बार चला जाएगा fx फंक्शन के ऊपर, और बीच में जो साइन था, इधर प्लस का साइन था, इधर माइनस का साइन था. मैं अगेन एक्सरसाइज 4.2 आपको बाद में करवाऊंगा. मुझ में और दूसरे टीचर्स में डिफरेंस ये है कि भाई मैं बहुत इजी तरीके से इसको समझा दूंगा, तभी मैंने हर टॉपिक के साथ उसकी एग्जांपल लिखी हुई है आपको समझ में आ सके. तो क्या मैंने बताया कि डेरिवेटिव बारी बारी दोनों पे चला जाएगा, एक बार चला जाएगा एफ एक्स के ऊपर और फिर एक बार चला जाएगा जी एक्स के ऊपर, यानी कि जी के फंक्शन के ऊपर. तो मेरी अगर आपको अभी तक मेरी कोई भी बात समझ में नहीं आई, ऑल्दो ऐसा इम्पॉसिबल है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना अपने ऊपर एतबार हमेशा रहता है कि मेरा स्टूडेंट हमेशा मेरी बात समझता है, मगर स्टिल अगर आप में से किसी को मेरी बात समझ में नहीं आई, तो मैं आपसे सिर्फ छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि बेटा एडिशन या सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला डेरिवेटिव का क्या होता है, बहुत ईजी सा फॉर्मूला है. क्या ईजी सा फॉर्मूला है, कि भाई अगर दो फंक्शन आपके पास, एक फंक्शन है fx और एक फंक्शन है gx, ये आपस के अंदर कभी ऐड हो रहे हो या फिर कभी सबट्रैक्ट हो रहे हो, और इनसे पहले क्या आ जाए डेरिवेटिव का सिंबल, तो डेरिवेटिव कहता है कि भाई मैं प्यार से तमीज से बारी बारी दोनों पे अप्लाई हो जाऊंगा, और इनके दरमियान जो भी सिंबल था उस सिंबल को भी नहीं छेड़ूंगा, वो सिंबल एज इट इज रहेगा.
सर क्या आप इसकी एग्जाम्पल दे सकते हैं? मेरा बेटा बिल्कुल दे सकता हूँ, बल्कि मैं दूंगा। अच्छा, इस टाइप की जो एग्जाम्पल बेस में क्वेश्चन करवाता हूँ, ये नॉर्मली एप्टीट्यूड मैथ्स में बहुत आने के चांसेस होते हैं, या फिर एमसीक्यूज बेस्ड मैथ्स में, यानी कि अगर आप जीआरई मैथ्स की तैयारी कर रहे हो या अगर आप एमसीक्यूज की तैयारी के लिए एग्जाम्पल में मैटर करती हैं। अगर आपको अपना ओरिजिनल टॉपिक समझना है, यानी कि एक्सरसाइज 4.2 समझनी है, एक्सरसाइज 4.3 समझनी है, एक्सरसाइज 4.4 समझनी है, तो उन तमाम एक्सरसाइज को समझने के लिए आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स बताने चाहिए। तो मेरी हत्तुल इम्कान कोशिश ये होती है कि भाई टॉपिक समझाऊं, टॉपिक के बाद चूंकि ये डेरिवेटिव का टॉपिक आप जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे हो तो उसकी एग्जाम्पल्स आपको जरूर कराऊं, क्योंकि मुझे में और दूसरी टीम ये डिफरेंस है कि भाई वो डायरेक्टली आपको एक्सरसाइज करवा देंगे। मैं आपको तभी जानबूझ के भाई उसकी एग्जाम्पल्स करवा रहा हूं कि आपको आइडिया हो सके कि डेरिवेटिव कोई भला नहीं है, डेरिवेटिव कोई बुखार नहीं है, डेरिवेटिव बहुत इजी चीज है, सिर्फ उसको एक हवा बनाया हुआ है। इंजीनियरिंग के बच्चे का ताज होती है इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव में, पहले बता रहा हूं, बहुत इजी चीज है। अच्छा, हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा डेरिवेटिव का, एडिशन फॉर्मूला, आओ जरा अप्लाई करते हैं। अब देखो ये मेरे पास तीन टर्म्स आ रही है, x की पावर 4 प्लस 2x की पावर q माइनस 5। हमने लास्ट क्लास के अंदर पावर फॉर्मूला पढ़ लिया, अगर आपने अल्लाह के वास्ते पावर फॉर्मूला वाली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली जाके पहले उसको व्यू करें, मैंने बहुत डिटेल के अंदर उस वीडियो के अंदर आपको पावर फॉर्मूला समझाया उसकी कई एग्जांपल्स के साथ। तो यहां पे आपको पावर फॉर्मूला बहुत बेसिक चीज है, अब जल्दी जल्दी अप्लाई करेंगे हम लोग उसे। अब देखो यहां पे तीन टर्म्स आपस में क्या हो रही है, दो टर्म्स प्लस हो रही है, माइनस हो रही है, सिंपल सा क्वेश्चन है एल्जेब्रिक बेस। उनसे पहले क्या आ गया, डेरिवेटिव का साइन। तो लोगों ने इसको पता नहीं खतरनाक बला बना के रखा हुआ कि डेरिवेटिव पता नहीं क्या चीज है, बहुत इजी चीज है, आओ देखो कैसे। भैया डेरिवेटिव मैंने क्या बताया, कोई भी टर्म्स आपस में इधर एड हो रही हो, सबट्रैक्ट हो रही हो, पहले डेरिवेटिव का साइन आ जाए तो डेरिवेटिव बहुत मासूम सी चीज है। डेरिवेटिव बारी बारी इन तीनों टर्म्स अप्लाई हो जाएगा, डेरिवेटिव बारी बारी इन तीनों टर्म्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है, मुझसे पढ़ रहे हो तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव बारी बारी तीनों पे अप्लाई हो जाएगा। सर कैसे हो जाएगा, इस तरीके से मेरा बेटा, एक बार हो जाएगा डेरिवेटिव x की पावर 4 के ऊपर प्लस का साइन, फिर डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा 2x क्यूब के ऊपर अप्लाई, और फिर डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा माइनस के 5 के ऊपर। अब तमाम के तमाम वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको लास्ट क्लास में दिए थे वो अभी अप्लाई होंगे। अब देखो डेरिवेटिव x की पावर 4 पे अप्लाई हो गया, डायरेक्टली पावर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, पावर पहले लिखी जाएगी। अच्छा, अब पावर फॉर्मूला इतनी बार पढ़ चुके हैं, अभी आपको डायरेक्ट करना आना चाहिए। जब डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है x की पावर 4 के ऊपर तो क्या हो जाएगा मेरा प्यारा बेटा, डेरिवेटिव जब x की पावर 4 के ऊपर अप्लाई होगा तो 4 पहले लिखा जाएगा, फिर पावर में से 1 माइनस, तो क्या बन जाएगा x की पावर q, और देन डेरिवेटिव x के ऊपर x के रिस्पेक्ट से लोगे तो क्या हो जाएगा 1, लिखने की नीड नहीं, डायरेक्टली हमने क्या आ जाएगा डेरिवेटिव x की पावर 4 का आंसर क्या होगा 4x क्यूब प्लस का साइन। अब कांस्टेंट नंबर के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहे हैं, 2x क्यूब के ऊपर हो रहा है तो 2 पहले लिखा जाएगा, डेरिवेटिव जब x की पावर क्यूब पे अप्लाई होगा, ऑल्दो यह डायरेक्ट होना चाहिए था बट मैंने स्टिल आपके लिए आसानी कर दी, क्या हो जाएगा 2 पहले लिख दो और डेरिवेटिव एक्स क्यूब पे होगा तो भैया क्यूब पावर पहले लिख दी जाएगी, पावर में से 1 माइनस, तो क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस का साइन। डेरिवेटिव कांस्टेंट पे जब अप्लाई हो, मैंने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में बेसिक कॉन्सेप्ट दिए थे आपको, अगर लास्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा डेरिवेटिव का तो काइंडली जाके व्यू करो, काइंडली जाके व्यू करो। डेरिवेटिव जब कभी कांस्टेंट पे अप्लाई होता है तो आंसर क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है मेरा बेटा। तो ये क्या बन गया, 4x क्यूब प्लस का साइन, यहां पे क्या बन जाएगा, ये क्या था, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 था, 3 था तो 3 टू 6x स्क्वायर, सिंपल ये इसका आंसर आ जाएगा। सर ये आंसर कैसे आया बेटा, ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करें, एडिशन या सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला कोई बेसिक फॉर्मूला, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है डेरिवेटिव के लिए। क्या बेसिक फॉर्मूला है कि भैया कोई भी तीन टर्म्स या चार टर्म्स या पांच टर्म्स या आठ टर्म्स आपस में इधर प्लस हो रही हो, इधर माइनस हो रही हो, अभी एक और क्वेश्चन भी देखेंगे, टेंशन नहीं लेनी भाई। तो क्या करोगे, सिंपल तरीके डेरिवेटिव बारी बारी हर टर्म पे अप्लाई हो जाता है और देन सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेते हो। फॉर एग्जांपल x की पावर 4 था तो आपने क्या अप्लाई करा, डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। x की पावर 4 के ऊपर डेरिवेटिव कैसे अप्लाई होगा, भाई पावर आ रही है, पावर पहले लिख दी जाएगी, पावर में से 1 माइनस कर दो, क्या हो गया 4x क्यूब बन गया। यहाँ पे क्या आ रहा था, कांस्टेंट नंबर के साथ एक डेरिवेटिव एक फंक्शन आ रहा था, हमने क्या करा 2x क्यूब आ रहा था, 2x क्यूब पर डेरिवेटिव कैसे अप्लाई करोगे, 2 कांस्टेंट पहले लिख दिया जाएगा, क्यूब आके 2 से मल्टीप्लाई हो जाओ, क्या बन जाएगा 3 उधर 6 और देन पावर में से 1 माइनस, क्यूब में से 1 माइनस कर दो, क्या बन जाएगा 6x स्क्वायर। ये आपको ये वाला स्टेप करना ही नहीं चाहिए, डायरेक्टली आपको ये स्टेप की वैल्यू आनी चाहिए। पहले रिपीट कर रहा हूँ, आपके डेरिवेटिव्स अल्लाह के वास्ते इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि आप डायरेक्टली इस फंक्शन को इस फंक्शन आ सको। और अगर अगर आप मुझसे डेरिवेटिव पढ़ो तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आपको ये वाली लाइन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यानी कि बीच वाली लाइन जिसके अंदर आप 2 को पहले लिख रहे हो, क्यूब से आके 2 को मल्टीप्लाई करना दिखा रहे हो, भाई इतने अच्छे डेरिवेटिव्स करो ना कि डायरेक्टली कर सको। मेरी बात क्लियर सुनने की कोशिश करना, ये मैं बार बार मेरा बेटा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डेरिवेटिव बच्चा जिंदगी में पहली बार पढ़ता है सेकंड ईयर मैथ्स के अंदर, इसलिए बहुत कंफ्यूज होता है कि यार पता नहीं कौन सा मुश्किल टॉपिक है। मैं गारंटी देता हूं मुश्किल नहीं है, अगर आप मुझसे पढ़ो आई होप आपको तमाम के तमाम टॉपिक्स को क्लियर हो रहे होंगे इंशाल्लाह बहुत इजीली। अब देखो आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है,
अगेन एडिशनल सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यूज में आते हैं, एप्टीट्यूड मैथ साइट के ऊपर आते हैं, बल्कि अल्लाह के वास्ते एप्टीट्यूड के अंदर भी इतने आसान क्वेश्चन नहीं आते, ऐसे मुश्किल क्वेश्चन आते हैं। क्या क्वेश्चन है, एक्स की पावर 6 प्लस 3x की पावर 5 माइनस 5x माइनस 7। कह रहे कि भाई अगर एक ब्रैकेट के तमाम वैल्यू लिखी हुई उनसे पहले डेरिवेटिव आ जाए, तो हमने अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला पढ़ा, डेरिवेटिव कैसे अप्लाई होता है एडिशन बेस्ड टर्म सब्ट्रैक्शन बेस्ड टर्म्स के ऊपर, यानी कि डेरिवेटिव बारी बारी इंडिविजुअल टर्म्स के ऊपर जाके अप्लाई हो जाएगा। तो अगर ये ब्रैकेट में चार टर्म्स मौजूद है और इनसे पहले डेरिवेटिव का सिंबल आ गया, तो डेरिवेटिव बारी बारी जाके इन तमाम टर्म्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। किस तरीके से, इस तरीके से डेरिवेटिव आ जाएगा एक बार x की पावर 6 के ऊपर, फिर एक बार डेरिवेटिव आ जाएगा 3x की पावर 5 के ऊपर, फिर एक बार डेरिवेटिव आ जाएगा 5x के ऊपर, फिर एक बार डेरिवेटिव आ जाएगा 7 के ऊपर। क्लियर है? अच्छा, अब क्या करेंगे सर? बेटा बहुत ही आसान तरीका है। क्या आसान तरीका है? यहाँ पे क्या आ गया, x की पावर 6। अब डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है किसके ऊपर मेरा बेटा, x की पावर 6 के ऊपर। तो डेरिवेटिव x की पावर 6 के ऊपर कैसे अप्लाई होगा? सिंपल तरीके से हम यहाँ पे ऑब्वियसली पावर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब ये पावर फॉर्मूला बहुत कॉमन चीज है, मैंने जो आपको इतनी डिटेल में समझाई ताकि आपको समझ में आए। अब x की पावर 6 पर डेरिवेटिव कैसे अप्लाई होगा, आपको ये अब खुद से आना चाहिए। क्या हो जाएगा, पावर आ रही है, पावर पहले लिख दोगे, पावर में से एक माइनस, तो क्या हो जाएगा 6x5। क्या हो जाएगा मेरा बेटा, 6x5। फिर आगे क्या मौजूद है, 3x की पावर 5। अब मैं इसको डायरेक्टली करने की कोशिश करूंगा। कैसे, क्या आ रहा है, 3x की पावर 5 और उसके ऊपर डेरिवेटिव आ रहा है, तो 5 पावर है 5 जाके कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 5 3 15, और फिर पावर में से एक माइनस, तो पावर में से एक माइनस करूंगा तो क्या बन जाएगा, 15x की पावर 4। और यहां पे क्या आ रहा है, 5x। 5x का मतलब क्या है, 5 तो कांस्टेंट है, पहले लिख दिया जाएगा, और डेरिवेटिव जो x पे अप्लाई होगा तो खत्म हो जाएगा। तो सिंपल 5x का आंसर क्या होगा, सिंपल डेरिवेटिव 5x का क्या होता है, 5 होगा। और यहां पे फिर क्या आ रहा है, डेरिवेटिव 7 के ऊपर। डेरिवेटिव 7 यानी कि कांस्टेंट नंबर पे अप्लाई होगा, तो डेरिवेटिव जब कभी किसी कांस्टेंट नंबर के ऊपर अप्लाई हो उसका आंसर क्या होता है मेरा बेटा, 0। तो सिंपली इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 6x की पावर 5 प्लस 15x की पावर 4 माइनस का 5, ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको क्लियर करा है, आई गेस आपको बहुत इजीली समझ में आया होगा। सिंपल तरीके से ब्रैकेट खुलेगा, डेरिवेटिव बारी बारी हर टर्म के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, डेरिवेटिव x की पावर 6 के ऊपर अप्लाई होगा। सिंपल तरीके से पावर फॉर्मूला अप्लाई करूँ, क्या पावर फॉर्मूला होता है, पावर पहले लिख दोगे, पावर में से एक माइनस, फिर डेरिवेटिव 3x 5 पे अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 5 जाके कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल। अच्छा, दो चीजें बच्चों को मसला करती हैं, सर ये भी तो कांस्टेंट नंबर है 3, ये क्यों 0 हुआ? बेटा यहां पे इस कांस्टेंट नंबर 3 में और इस 7 में बहुत डिफरेंस है, या इस 5x में और इस 7 में डिफरेंस है। अब चूंकि मैं उस बच्चे की सोच को जानता हूं, जब बच्चा पहली बार डेरिवेटिव पढ़ा होता है कंफ्यूज होता है, मेरा बेटा यहां पे जो कांस्टेंट नंबर आ रहा है ये एक फंक्शन के साथ आ रहा है, कभी भी कांस्टेंट नंबर किसी फंक्शन के साथ आ रहा होगा वो कांस्टेंट नंबर कभी जीरो नहीं हो सकता भाई, इस बात को अपने जहन में बिठा लिएगा। अच्छा, ये मैं लास्ट क्लास में ऑलरेडी शायद बता नहीं सका, बट इस बात को, ये एक बेसिक जो है ना एक मिस्टेक बच्चे के जहन में होती है कि सर इस वाले कांस्टेंट नंबर में, इस कांस्टेंट नंबर में क्या डिफरेंस है। बेटा यहां पे जो कांस्टेंट नंबर आ रहा है बिल्कुल अकेला आ रहा है, तभी डेरिवेटिव कभी भी किसी कांस्टेंट सिंगल कांस्टेंट नंबर पर अप्लाई होता है हमेशा जीरो हो जाता है उसकी वैल्यू। ऑन दी अदर हैंड कभी भी कोई कांस्टेंट नंबर किसी फंक्शन के साथ आ रहा होगा तो कांस्टेंट नंबर पहले लिख दिया जाता है और डायरेक्टली डेरिवेटिव उस फंक्शन पे अप्लाई हो जाता है। फॉर एग्जांपल 3x की पावर 5 था, अगर मैं इसकी बेस पे जाके आपको बताऊं, मेरी आदत है मैं दूसरे टीचर से मुख्तलिफ इसीलिए कि मैं बहुत बेसिस पे जाके आपकी बेस के ऊपर काम करने की कोशिश करता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे की बेस बने, मैं चाहता हूं कि उसको बेसिक बात भी बताओ। तो 3x की पावर 5 को डेरिवेटिव अप्लाई हुआ होगा, 3 एक कांस्टेंट नंबर है तो डेरिवेटिव इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ये 3 पहले लिख दिया जाएगा और डायरेक्टली डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा किसके ऊपर जाकर, x की पावर 5 के ऊपर, जो कि मैंने कल आपको इसके पावर फॉर्मूला के अंदर इस टाइप की एग्जांपल भी करवाई थी। तो 3 पहले लिख दिया जाएगा और x की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, 5 पहले आ जाएगा और पावर में से एक माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, 4। और देन डेरिवेटिव फंक्शन यानी कि x पर अप्लाई होगा, डेरिवेटिव x के ऊपर, जब x के रिस्पेक्ट से अप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 3 15 x की पावर 4। इस तरीके से आ रहा होता है। बेटा मेरी कोशिश ये कि आपकी बेस तक बन रही हो, आई होप इंशाल्लाह आपकी बन रही होगी। तो आई गेस मैंने बहुत डिटेल में आपको समझा दिया एडिशन या सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेटिव के अंदर कुछ भी नहीं होता, बहुत ही आसान सी चीज़ है। क्या आसान चीज़ है, कभी भी कोई भी टर्म्स आपस में ऐड हो रही हो, सब्ट्रैक्ट हो रही हो, अगर डेरिवेटिव उनसे पहले आ जाएगा तो डेरिवेटिव बारी बारी हर टर्म के ऊपर अप्लाई हो जाएगा और सिंपल तरीके से आप उनके टर्म्स के डेरिवेटिव ले लिया करेंगे। तो अभी तक हम दो तरह के फॉर्मूलाज पढ़ लिए हैं, इसका मतलब एक हमने फॉर्मूला पढ़ लिया पावर फॉर्मूला, एक हमने पढ़ लिया डेरिवेटिव फॉर्मूला, एक हमने पढ़ लिया एडिशन या सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला। अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन के फॉर्मूलाज के ऊपर। अगेन मेरा बेटा एक्सरसाइज 4.2 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज को अभी इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि आपकी बेस नहीं है, आपको पहले फॉर्मूलाज पता होंगे तभी तो आप कर सकते हो। दूसरे टीचर्स की तरह मैं भी मेरा बेटा बहुत आसानी से फॉर्मूलाज एक बार लिखवा के डायरेक्टली क्वेश्चन समझाने में आ सकता था और मुझे अपनी स्किल्स के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह इतना
एतबार भी मौजूद है कि वो एक्सरसाइज भी अगर समझाता तो वो एक्सरसाइज भी समझ में आ जाती। अगर नहीं समझा रहा उसके पीछे रीज़न क्या है, हो सकता है बहुत से बच्चों को समझ में ना आए। अगर एक बच्चे को भी समझ में ना आए तो मेरी ये नाकामी है। इसलिए मेरी कोशिश है कि तमाम फॉर्मूलाज पहले आपको बारी बारी समझाऊँ और देन उसकी छोटी छोटी एग्जाम्पल एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से वो करवा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके किस तरीके डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। आपके जहन में जो एक डेरिवेटिव को लेकर खौफनाक बला है ना या एक खौफनाक तस्वुर है, वो तस्वुर खत्म हो सके, आपको आइडिया हो सके मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत ईजी चीज़ है। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इंजीनियरिंग मैथ्स की जान होते हैं, एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट का ताज होते हैं अगर आप आगे इंजीनियरिंग कंटिन्यू करते हो। क्लियर है? अच्छा मेरा बेटा, अब हमारे पास क्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेटिव फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव। अगेन जिस तरह बच्चे को क्लास 5 या क्लास 2 के अंदर, वैसे क्लास 2 या क्लास नर्सरी के अंदर ही हम उसे सब्ट्रैक्ट करना ऐड करने के बारे में बताते हैं, बिल्कुल वैसे ही डेरिवेटिव का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, डेरिवेटिव की एक्सरसाइज करने से पहले हमें उसकी बेसिक फॉर्मूलाज तो पता होने चाहिए। तो आइए, हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला। अच्छा, फॉर्मूला मैंने गलती से यहां पे लिख दिया, मैं आपको और तो फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूं। क्या है, कभी भी अगर दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हो, कभी भी दो फंक्शन आपस में हो रहे हो मल्टीप्लाई, क्या हो रहे हो मेरा बेटा, कभी भी दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हो मल्टीप्लाई, और उनसे पहले ये डेरिवेटिव साहब जो है ना डी बाई डी एक्स, ये तशरीफ फरमा हो जाए। मैंने क्या कहा, कभी भी दो फंक्शन आपस के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हो, एक फंक्शन है एफ एक्स और एक फंक्शन है जी एक्स। अच्छा, ये एक्स एक्स नहीं है भाई, ये एक फंक्शन है एफ एक्स और एक फंक्शन है जी एक्स, फॉर एग्जाम्पल। ये दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, और इनसे पहले डेरिवेटिव साहब आ जाएं तो फिर डेरिवेटिव का एक फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होता है। वो फॉर्मूला बहुत ईजी है, ऊपर वाली चीज ना देखिए, गलती से मैंने लिख दिया था, मुझे बाद में एहसास हुआ मुझे लिखना नहीं चाहिए था, मुझे आपको खुद से बताना चाहिए था। ये फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बहुत ही ईजी सा है। फॉर्मूला आपसे कहता है कि कभी भी दो नंबर्स, दो वेरिएबल, दो टर्म्स अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, उनसे पहले डेरिवेटिव का साइन आ जाए तो पहली वाली जो टर्म है उसको आप एज इट इज छोड़ दोगे, पहला वाला जो फंक्शन है उसको आप एज इट इज छोड़ दोगे और डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा दूसरे फंक्शन के ऊपर। देखो मेरा बेटा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैं बहुत डिटेल में अगर आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो काइंडली अपनी अटेंशन दो इस साइड के ऊपर, क्योंकि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव अजाब बन जाएगा अगर अटेंशन ना दी। मेरी हद तो लिमकान ये कोशिश है अजाब ना बने बल्कि तुम्हारे लिए फूलों का हार बने। तो काइंडली अगर फूलों का हार बनाना चाहते हो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन को तो अटेंशन दो। मैंने क्या कहा, कभी भी अगर दो टर्म्स या दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हूं और उनसे पहले डेरिवेटिव आ जाए तो डेरिवेटिव कहता है कि जो पहला वाला फंक्शन है उसको एज इट इज लिखो और डेरिवेटिव अप्लाई कर दो दूसरे फंक्शन के ऊपर। फिर प्लस का साइन लगाओ, फिर किसका साइन लगाओ, प्लस का। दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया, पहले फंक्शन को जो भी इन दोनों में से पहला फंक्शन था उसको एज इट इज छोड़ दो और दूसरे फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर दो, फिर साइन लगाओ प्लस का। जिस फंक्शन के ऊपर अब डेरिवेटिव ले चुके हो अब उसको रहने दो, जिस फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव एक बार ले चुके थे उसको प्लस के बाद रहने दो, और जिस फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव नहीं लिया उसके ऊपर डेरिवेटिव लेना है। इस तरीके से कराची का कोई और टीचर पढ़ा के दिखा दे तो मुझे बता देना, नहीं पढ़ा सकता इतनी डिटेल के अंदर। मैंने क्या कहा, दोबारा रिपीट कर देता हूं, मैंने कहा मेरा बेटा कभी भी दो फंक्शंस हो, उन दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, उनसे पहले क्या आ जाए, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये होता है, बहुत ही आसान सी कहानी है एक तरीके से, कि बेटा जो भी इन दोनों फंक्शन में से पहला फंक्शन होगा उसको एज इट इज लिखोगे, दूसरे फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे, फिर प्लस का साइन लगाओगे, जिस फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव ले चुके हो उसको रहने दोगे और जिस पे डेरिवेटिव नहीं लिया था अभी उस पे डेरिवेटिव ले लोगे। इतने तरीके से, और इस तरीके से अगर कोई इस फॉर्मूले को याद करवा सके तो मेरा नाम बदल देना, कोई नहीं करवा सकता अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी अपने बारे में गारंटी है। तो ये फॉर्मूला बहुत ही ईजी सा होता है, आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, अगेन मैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नहीं करवा रहा, क्यों, क्योंकि बच्चे को बेसिक कॉन्सेप्ट पहले एज अ टीचर मुझे देना है। अब मेरे पास एग्जांपल आ रही है, एग्जांपल अगेन मैंने खुद से ड्राइव करी है आपकी आसानी के लिए। ये सारे के सारे पास पेपर के क्वेश्चंस हैं, जो पास पेपर में एमसीक्यूज इस टाइप के आते हैं या एप्टीट्यूड मैथ्स में इस टाइप के एमसीक्यूज आते हैं, मैंने उसके ऊपर सारी की सारी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। तो अगर आप पहली बार डेरिवेटिव का टॉपिक पढ़ रहे हो मेरी वीडियो के जरिए तो मैं आपसे कहता हूं कि भाई इसको तरीके से समझिए आप। अच्छा, अब क्या आ गया, डेरिवेटिव आ रहा है एक्स इंटू एक्स प्लस वन के ऊपर। अभी हमने डेरिवेटिव का फॉर्मूला पढ़ा, अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, फॉर्मूला तो सीख लिया हम लोगों ने, अब इस फॉर्मूले को क्या करना है, अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करेंगे, आइए देखते हैं। मैंने क्या कहा, कभी भी दो टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही है, बेटा ये पूरी की पूरी दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड मैंने कह दिया, मल्टीप्लाई। अब एक फंक्शन ये एक्स है और एक ये एक्स प्लस वन है। अच्छा, बच्चा क्या कहता है, सर ये एक्स प्लस वन तो एक फंक्शन कैसे हुआ, बेटा ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में एक फंक्शन है और ये एक्स एक फंक्शन है। अब ये दो फंक्शन क्या हो रहे हैं, आपस के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई हुआ। क्या कहता है डेरिवेटिव का फॉर्मूला, इसको भूल जाओ, भूल मतलब इसको भी मत देखो ना इसको, मैं बता रहा हूं, मुझसे सीखो बेटा।
कभी भी दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और पहले डेरिवेटिव आ जाए तो क्या कहता है डेरिवेटिव का फॉर्मूला, कि भाई जो भी पहली वाली टर्म हो उसको एज इट इज लिखो और डेरिवेटिव अप्लाई करो दूसरी टर्म के ऊपर। डेरिवेटिव अप्लाई करो किसके ऊपर मेरा बेटा, दूसरी टर्म के ऊपर। फिर साइन लगाओ प्लस का। जिस टर्म पे डेरिवेटिव अप्लाई कर चुके अब उसको पहले लिखो, किस पे अप्लाई किया हम लोगों ने डेरिवेटिव, x प्लस वन के ऊपर, उसको अब एज इट इज लिख दो। लिख दिया। और जिस टर्म पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं करा था यानी कि x के ऊपर, उसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर दो। मुझे बताओ मेरा बेटा कि इस तरीके से कहानी की फॉर्म के अंदर इतनी आसानी से कोई डेरिवेटिव सिखा सकता है? नहीं सिखा सकता। तरीके से समझो, दो टर्म्स थी, दो टर्म्स पे डेरिवेटिव अप्लाई करना है, दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, क्या करोगे? बहुत ही आसान सा है, मैं कह रहा हूं इसको नहीं देखो, अब इसको अप्लाई करो। छुपा दिया मैंने, इसीलिए क्यों छुपा रहा हूं इसको, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता नहीं छुपाऊं तो मैं, ताकि तुम्हें समझ में आए मेरा बेटा, ताकि तुम्हें समझ में आए। क्या तरीका है? दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, किस तरीके से अप्लाई करोगे? भाई जो पहली टर्म है ना उसको एज इट इज छोड़ दो और डॉट लगाकर मल्टीप्लाई लगा के उस टर्म पे, दूसरी वाली टर्म के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर दो। सही है। फिर बीच में साइन लगाओ प्लस का। जिस टर्म पे आप डेरिवेटिव अप्लाई कर चुके हो उसको एज इट इज लिख दो और जिस टर्म पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं करा उस पर अप्लाई कर दो। सिंपल तरीके से डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपने ओपन कर दिया। अब सिंपल तरीके से डेरिवेटिव अप्लाई करना है तो भैया ये एक्स जो था ना, ये एक्स यहाँ पे एज इट इज रहा। अब डेरिवेटिव एक्स प्लस वन पे अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? ब्रैकेट खुलेगा, डेरिवेटिव एक्स के ऊपर भी जाएगा और वन के ऊपर भी जाएगा। जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो डेरिवेटिव एक्स के ऊपर भी जाएगा और वन के ऊपर भी जाएगा। एक मिनट देना, मार्कर क्लोज कर दूं। डेरिवेटिव जो एक्स पे जाएगा, सिंपल तरीके से अभी जो हमने एडिशन सबट्रैक्शन फॉर्मूला पढ़ा ना, वो फॉर्मूला अप्लाई होगा डेरिवेटिव। अच्छा चलो, आपकी आसानी के लिए अगर आप बोलो तो यार मैं डायरेक्टली करवाना नहीं चाह रहा, मतलब मैं फॉर्मूला लिख के डायरेक्टली आपको इसलिए बता रहा हूं। डेरिवेटिव एक्स पे भी जाएगा और वन पे भी जाएगा। डेरिवेटिव एक्स के ऊपर जाएगा तो अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, मैंने अभी भी आपको बताया कि डेरिवेटिव x के ऊपर x के रिस्पेक्ट से क्या होगा, किसी भी टर्म के ऊपर उसी के रिस्पेक्ट से क्या होता है, 1 होता है। और फिर डेरिवेटिव प्लस का साइन और डेरिवेटिव 1 पे अप्लाई हो जाएगा। डेरिवेटिव जब 1 पे अप्लाई होगा, डेरिवेटिव किसी भी कांस्टेंट टर्म के ऊपर क्या होता है, हमेशा उसका आंसर 0 होता है। क्लियर है? फिर प्लस का साइन और x प्लस वन एज इट इज रहा और यहाँ पे अब क्या आ गया, x आ गया। यानी कि डेरिवेटिव x के ऊपर x के रिस्पेक्ट से अप्लाई होगा तो उसका आंसर क्या होता है मेरा बेटा, 1 होता है। तो ये क्या बन गया, ये x, ये ब्रैकेट है यहाँ पे, तो ब्रैकेट ओपन होगा तो x जाके दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो x वन सर x ही हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, x प्लस वन। ऑब्वियसली वन भी जाके x प्लस वन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, x प्लस वन हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ रहा होगा आपके पास, 2x प्लस वन। मुझे बताओ मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला की मुश्किल है? मुझे जरा बताना मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला की मुश्किल है? जरा अपने तमाम भाई बहनों से पूछना कि इस तरीके से कभी उन्होंने पढ़ा, आई डोंट थिंक उन्होंने पढ़ा होगा। बेटा डेरिवेटिव का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंजीनियरिंग साइड पर भी होता है, मेडिकल साइड पर भी होता है। इंटीग्रेशन का टॉपिक इंजीनियरिंग साइड पर होता है, मेडिकल साइड पर होता है। मेडिकल का बच्चा ये इंटर में नहीं पढ़ता बट ये मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ता है। मैं पहले रिपीट कर देता हूँ, मेडिकल का बच्चा जो मैथमेटिक्स से भागता होता है ना, जिसको मैथ्स का शौक नहीं होता, वो अपने आप, अगर कोई बड़ा बहन भाई अगर किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ा तो उसे पूछ लीजिएगा कि वहाँ पे ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन होती है नहीं होती, उनके फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स के अंदर मौजूद है। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने लास्ट ईयर डॉ के लड़के लड़कियों का पूरा बैच पढ़ाया था, जिसके अंदर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उनको पूरे ग्रुप को डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन सिखाई थी। यानी कि वो लड़के लड़के जो इंटर के अंदर डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन समझते हैं ना, वो वहाँ पे आके भी समझ रहे होते हैं। तो ये याद रख लेना कि मेडिकल साइड तक के ऊपर डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन मौजूद है, तो सोचो इंजीनियरिंग में क्या नहीं मौजूद है। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह एनर्जी मैकेनिकल कर रहा हूँ तो मुझे इसलिए बहुत तरीके से आइडिया है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन तो इंजीनियरिंग मैथ्स की जान होते हैं भाई। हर छोटे से छोटे सब्जेक्ट के अंदर भी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन भरा बहुत है। तो काइंडली इस टॉपिक को बहुत तरीके से समझिए, ये आपकी बेस है पूरे के पूरे फ्यूचर की। यानी कि ये बेताशा भरा हुआ है आपके पास, चाहे आप बिजनेस साइड पे भी चले जाओ, किसी भी बिजनेस यूनिवर्सिटी में भी चले जाओ, वहां पे भी फर्स्ट सेमेस्टर में कैलकुलस का कोर्स लाजमी होता है, उसमें डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ये सब, तो हर जगह ये मौजूद है। किसी भी जगह ऐसा नहीं है कि जगह डेरिवेटिव इंटीग्रेशन नहीं है। तो मुझे बताओ इस तरीके से समझा सकता है, आई डोंट थिंक समझा सकता है। क्यों? मैंने एक बेसिक तरीके से पढ़ा रहा हूं, आई गेस वो तरीका आपको इजीली क्लियर हो रहा होगा। भाई मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला क्या था जो अभी हमने पढ़ा, बहुत ही इजीली समझ लिया ना हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला, ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं था। इसके सिंपल तरीके से हम लोगों ने इसको क्लियर करने की कोशिश करी। अच्छा, और क्या क्लियर करने की कोशिश करी कि भाई क्या होता है मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला, कि अगर दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है पहले डेरिवेटिव आ जाए तो क्या होगा, पहले वाले फंक्शन को आप एज इट इज रहने दोगे, डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन पर अप्लाई कर दोगे, फिर बीच में प्लस का साइन लगाओगे। जिस फंक्शन पर डेरिवेटिव अप्लाई कर चुके उसको एज इट इज रहने दोगे और जिस पर अप्लाई नहीं करा उसके ऊपर डेरिवेटिव को अप्लाई करोगे। मतलब बिल्कुल ईजी वे में मलाई तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह आपको पढ़ाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। आई गेस आपको क्लियर हो पा रहा होगा, आई थिंक सो, आपको क्लियर होना चाहिए लाजमी मेरा बेटा। क्लियर है? अब हमने देन इसकी एग्जांपल देख ली और एग्जांपल मैंने आपको बहुत तरीके से समझाई। क्या एग्जांपल थी? बहुत ही आसान सी एग्जांपल थी, आई गेस आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे। अब मेरा बेटा हमारे पास आ रहा है डिवीजन फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव।
अब अभी हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा, उससे पहले पावर फॉर्मूला पढ़ा, तो यानी कि अभी तक हमने तीन फॉर्मूलाज पढ़ लिए, एक पढ़ लिया पावर फॉर्मूला, एक पढ़ लिया एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए, और एक पढ़ लिया हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब हम पढ़ रहे हैं चौथा मेजर फॉर्मूला। ये मैं इसलिए मेजर कह रहा हूँ, देखो डेरिवेटिव एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट्स भी आते हैं, इसके अंदर एक्सपोनेंशियल पार्ट्स भी आते हैं, इसमें लॉगरिथमिक पार्ट्स भी आते हैं। अगर आपकी बेसिस बनी हुई होंगी, आपको छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आपके टीचर ने आपको गाइड करा होगा, तो आप इजीली कर रहे होगे। इसीलिए मैं आपको बहुत तरीके से, बहुत तमीज़ से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आई गेस आपको क्लियर हो पा रहा होगा। अच्छा, तो अब आपके पास चौथा या पाँचवा मेजर फॉर्मूला हमारे पास कौन सा आता है? डिवीजन फॉर्मूला। ये डिवीजन फॉर्मूला बेतहाशा प्राइमर फॉर्मूला है, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, बहुत ही मजे का फॉर्मूला है। अगर अभी आपको मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला समझ में आया तो ये तो आपके लिए बिल्कुल बच्चों वाली गेम है। क्या? अच्छा, दो टर्म्स या दो फंक्शन कभी भी आपस में क्या हो रहे हो? डिवाइड हो रहे हो। कभी भी दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हो? डिवाइड हो रहे हो, तो वहां पे डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये डिवीजन फॉर्मूला बहुत ही मजे की चीज है, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। सर क्यों मजे की चीज है? मेरा बेटा, मैंने आपसे क्या कहा? कभी भी दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हो तो वहां पर डिवीजन फॉर्मूला होगा। अब फॉर एग्जाम्पल, ऊपर हो रहा है एफ एक्स फंक्शन, नीचे क्या हो रहा है? जी एक्स फंक्शन। बहुत गौर से देखिएगा, पहले कह रहा हूं, ऊपर हो रहा है एफ एक्स फंक्शन, नीचे हो रहा है जी एक्स फंक्शन। डिवीजन फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव आपसे कहता है कि कभी भी दो फंक्शंस अगर आपस में क्या हो रहे हो? डिवाइड हो रहे हो, तो नीचे वाली चीज, यानी कि वो चीज जो डिवाइड में नीचे मौजूद है, उसको आप डिवाइड में एज इट इज लिखोगे एक बार, मगर स्क्वायर के साथ। डिवीजन फॉर्मूला समझा रहा हूं, बहुत गौर से सुनिएगा, पहले कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या कह रहे हैं? कभी भी दो टर्म्स अगर आपस में क्या हो रही हो? डिवाइड हो रही हूं। दो टर्म्स अगर आपस में कभी भी डिवाइड हो रही हो, तो वो नीचे वाली टर्म जो पहले ही नीचे मौजूद थी, जो फॉर्मूला आप ओपन करोगे, उसको नीचे ही लिखोगे और उसका स्क्वायर ले लोगे। क्लियर है यहां तक की बात? और जो भी वो नीचे वाला फंक्शन था, टर्म थी जी एक्स फॉर एग्जाम्पल, उसको देन आप ऊपर लिखोगे एज इट इज, देन आप उस नीचे वाली टर्म को ऊपर लिखोगे एज इट इज, और जो ऊपर वाली टर्म थी उसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करना है। जो ऊपर वाला फंक्शन था उसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। सर क्या मतलब? क्या दोबारा रिपीट कर देंगे? सर गुचड़ मुचड़ हो गया, सर समझ में नहीं आया। बेटा मैंने कहा कि कभी भी दो टर्म्स डिवाइड हो रही हो ना, आपको डेरिवेटिव अप्लाई करना पड़ जाए। कैसे अप्लाई करोगे? जो नीचे फंक्शन मौजूद है, फॉर एग्जाम्पल जी एक्स मौजूद है, उसके ऊपर एज इट इज आपने स्क्वायर अप्लाई कर देना नीचे, और देन उस जी एक्स वाली वैल्यू को नीचे से ऊपर लेकर जाना है, ऊपर एज इट इज एक बार लिखना है, और जो ऊपर वाली टर्म थी उसके ऊपर डेरिवेटिव लेना है। डिवाइड के फॉर्मूले की, डिवीजन के फॉर्मूले की सबसे बड़ी खास बात जो मेजोरिटी बच्चा याद नहीं रखता, माइनस का साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, और फिर जिस फंक्शन के ऊपर आप डेरिवेटिव अप्लाई कर चुके हो उसको आप एज इट इज रहने दोगे, उसको आप एज इट इज रहने दोगे। यानी कि एफ एक्स के ऊपर फंक्शन अप्लाई हो गया तो एफ एक्स एज इट इज रहेगा, और जिस टर्म के ऊपर फंक्शन अप्लाई नहीं हुआ, आप उस टर्म के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। सर आपकी बात समझ में नहीं आई, सर आपने बहुत जल्दी बोल दिया, क्या दोबारा रिपीट कर देंगे? यस मेरा बेटा, मैं बिल्कुल दोबारा रिपीट करूंगा। मैंने कहा कोई भी दो टर्म्स कभी भी आपस में क्या हो रही हो? डिवाइड हो रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल दो फंक्शन, सिंपल तरीके, दोबारा देखते हैं, बहुत ही आसान चीज़ है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। आप क्या करोगे? जो भी नीचे वाला फंक्शन होगा उसको आप एज इट इज नीचे एक बार लिखोगे, मगर कैसे? स्क्वायर टर्म के साथ, यानी कि उसको आप स्क्वायर ले लोगे। फिर वो जो भी नीचे वाला फंक्शन होगा ऊपर भी उसको एक बार लिखोगे एज इट इज, और कुछ नहीं करना उसके साथ। और जो ऊपर वाला फंक्शन होगा एफ एक्स फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऊपर, उसका क्या ले लोगे आप? डेरिवेटिव। यानी कि ऊपर वाले फंक्शन का क्या ले लोगे? डेरिवेटिव। चूंकि डिवीजन फॉर्मूला है, फिर यहाँ पे साइन आता है कौन सा? माइनस का। कौन सा साइन आता है? माइनस का। और जिस फंक्शन पे आप डेरिवेटिव ले चुके हो उसके ऊपर डेरिवेटिव नहीं लोगे, उसको एज इट इज छोड़ दोगे, और जिसके ऊपर नहीं लिया डेरिवेटिव उसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करोगे। तो इस क्वेश्चन को अगर, इस फॉर्मूले को अगर और तरीके से आपको बता दूं, तो मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला और डिवीजन फॉर्मूला में डिफरेंस ही क्या है? भाई डिफरेंस ये है मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला और डिवीजन फॉर्मूला के अंदर, कि मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला में प्लस का साइन आता है, यहाँ पे माइनस का साइन आता है। पहला डिफरेंस देखो, मैं एप्टीट्यूड का मेन टीचर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कई इंस्टीट्यूशन में एप्टीट्यूड मैथ्स की टीचिंग करता हूँ, चाहे वो ब्राइट सक्सेस हो, चाहे वो स्टडी एट प्रोजेक्ट एनईडी हो, चाहे वो दूसरे कराची के फेमस इंस्टीट्यूट्स हो, जहाँ पे मैं बताना नहीं चाह रहा, बट वहाँ पर टीचिंग अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा होता हूँ। तो भाई मुझे दो बात का बहुत अच्छे से आइडिया है। बच्चा कन्फ्यूज इन चीज़ के ऊपर होता है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के अंदर। मल्टीप्लीकेशन साइड के ऊपर क्यों कन्फ्यूजन होती है? मल्टीप्लीकेशन में प्लस का साइन आता है, डिवीजन में माइनस साइन आता है। एक तो इस कन्फ्यूजन को दूर कर लो, सही ना? डिवीजन में क्या साइन आता है? माइनस का। दूसरे नंबर के ऊपर मल्टीप्लीकेशन के अंदर पहले आप एफ एक्स के फंक्शन को लेते हो, यानी कि फर्स्ट फंक्शन को, फिर डेरिवेटिव सेकंड के ऊपर, फिर प्लस का साइन, फिर जिस फंक्शन डेरिवेटिव ले चुके हो छोड़ दो, जिसके ऊपर नहीं ले उसको ले दो। ऑन द अदर हैंड दूसरा मेन
डिफरेंस जो कि मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूले से डिवीजन फॉर्मूले को अलग करता है वो क्या होता है कि बेटा डिवीजन के अंदर आप पहले या दूसरे फंक्शन नहीं कंसीडर कर रहे, आप ये देखते हो कि जो नीचे वाला फंक्शन है उसके ऊपर पहले आप नीचे स्क्वायर ले रहे हैं, उस फंक्शन को आपने पहले लिखना है यहाँ पे ऊपर, उस फंक्शन को जो भी नीचे फंक्शन होगा उसको आपने पहले लिखना है ऊपर, और जो ऊपर वाला ही फंक्शन था उसके ऊपर डेरिवेटिव लेना है। माइनस का साइन लगाओगे, जिस पर डेरिवेटिव ले चुके उसको रहने दोगे, जिस पर डेरिवेटिव नहीं लिया उस पर ले लोगे। तो अगर मैंने डिवीजन फॉर्मूला आपको बहुत तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है तो मैंने क्या एक्सप्लेन करा है आपको, अगर मैं आपसे दोबारा पूछना चाहूं तो मेरा बेटा मैंने आपसे क्या कहा, कभी भी दो टर्म्स डिवाइड हो रही है, फॉर एग्जांपल फंक्शन है f(x) और फंक्शन g(x), तो जो नीचे वाला फंक्शन होगा उसके ऊपर डायरेक्टली हमें सिंपल स्क्वायर लेना है, कुछ भी नहीं करना, डिवाइड की डिवीजन वाला जो आपने डिवीजन की लंबी डंडी होती है, लंबी डंडी डंडी को लगा के नीचे आपने उसके ऊपर स्क्वायर लेना है, जो नीचे वाली टर्म है उसको नीचे स्क्वायर लेना है, देन जो नीचे वाली चीज थी उसको आपने ऊपर एज इट इज लिखना है, उस पर डेरिवेटिव अभी नहीं लेना, और जो ऊपर वाला फंक्शन यानी कि जो जो भी ऊपर टर्म मौजूद है उसके ऊपर डेरिवेटिव ले लोगे, माइनस का साइन लगाओगे, और जिस टर्म पर डेरिवेटिव ले चुके हो उसको एज इट इज रहने दोगे, और जिसमें नहीं लिया उस पर डेरिवेटिव ले लोगे। तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन फॉर्मूला बहुत मिलती भी चीज होती है, तो जो इंटर का बच्चा होता है, जो फेडरल बोर्ड का बच्चा होता है, जो पहली बार डेरिवेटिव का टॉपिक पढ़ रहा होता है, वो बड़ा कंफ्यूज होता है, वो कहता है कि यार सर ये पता नहीं दोनों फॉर्मूलास मिल ना जाए। बेटा नहीं मिल सकते, अगर मेरी वीडियो लेक्चर से मुझसे पढ़ लो ना, मैं गारंटी देता हूं इतने डिटेल में कोई नहीं समझा रहा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह इतने बार अपने स्किल्स को एतबार है कि मेरा बच्चा एटलीस्ट कंफ्यूज नहीं होगा मल्टीप्लीकेशन डिवीजन फॉर्मूला के अंदर। क्यों कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको दोनों के डिफरेंसेस बता दिए, एक में प्लस साइन आता है, एक में माइनस साइन आता है, एक के अंदर आप पहले वाले फंक्शन को पहले लेते हो और दूसरे वाले के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करते हो, ऑन दी अदर हैंड डिवीजन के अंदर आप क्या करते हो, नीचे वाले फंक्शन को पहले लेते हो ऊपर वाले के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करते हो, दोनों में डिफरेंसेस हैं। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में आप क्या करते हो, पहले वाले फंक्शन को एज इट इज ले लेते हो और दूसरे वाले फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करते हो, और फिर प्लस का साइन लगाते हो, फिर दूसरे फंक्शन को एज इट इज छोड़ते हो, पहले फंक्शन एडवांटेज आपको यह है कि भाई मैं साथ साथ एग्जाम्पल करवाता हूँ, ये पास पेपर की एग्जाम्पल होती है, एप्टीट्यूड मैथ्स की एग्जाम्पल होती है, जो कि मैं आपको करवा दूँगी, मैंने आपको बताया मैं एप्टीट्यूड मैथ्स का मेजर टीचर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो भाई मेरी हत्तुल इमकान कोशिश है कि आप 4.2 एक्सरसाइज 4.2 करने से पहले आपको उसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि वो एक्सरसाइज है क्या चीज़। तो अगर एप्टीट्यूड मैथ्स की तैयारी करो या अगर आप इंटरमीडिएट मैथ्स की तैयारी करो तो आपको पता तो डेरिवेटिव क्या चीज़ है, बच्चों को पता ही नहीं होता डेरिवेटिव क्या होते हैं, यूनिवर्सिटी लाइफ में पहुंचे हुए होते हैं भाई। अब फॉर एग्जाम्पल देखो आपके पास ये दो टर्म्स आ रही है, दो फंक्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है डेरिवेटिव x डिवाइडेड बाय x प्लस 1, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही इजी तरीका है, क्या इजी तरीका, मैंने अभी आपको मैंने डेरिवेटिव के अंदर आपको मैंने क्या पढ़ाया है, डिवीजन फॉर्मूला मैंने अभी अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दिया और समझा दिया। मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपसे कहा कभी भी दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो और उनसे पहले डेरिवेटिव का साइन आ जाए तो इनको सॉल्व करने का तरीका बहुत ही आसान होता है। सर वो आसान तरीका क्या आप हमें समझाएंगे, यस मेरा बेटा मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगा, मैं क्यों नहीं समझाऊंगा, क्या वो तरीका होता है बिल्कुल आसान सा, वो आसान तरीका ये है मेरा बेटा कि आपने सिंपल तरीके से क्या करना है, एक लंबी सी डिवीजन डंडी लगानी है, क्या आ रहा है दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं तो डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई होगा, नीचे वाली जो भी चीज आपकी आ रही है उसको आप एज इट इज एक बार नीचे लिखोगे, नीचे क्या आ रहा है x प्लस 1, इसको आपने एज इट इज नीचे एक बार लिखना है और इसके ऊपर क्या ले लेना है स्क्वायर ले लेना है। क्या कहता है डिवीजन फॉर्मूला, कि कभी भी दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हो जो भी नीचे वाली टर्म है उसको आप एज इट इज नीचे एक बार लोगे और उसका स्क्वायर ले लोगे, फिर नीचे वाली टर्म को ही ऊपर आपने पहले लेना है, नीचे वाली जो भी टर्म होगी उसको आपने पहले ऊपर लेना है, पहले नीचे वाली टर्म को लेना है, मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूले से अलग इसीलिए कि यहां पे नीचे वाली टर्म को पहले लोगे और ऊपर वाली टर्म के ऊपर आपने डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है, जो कि यहां पे एक्स है तो एक्स पे डेरिवेटिव हो जाएगा। अब क्या करेंगे सर, माइनस का साइन लगाएंगे, क्या लगाएंगे माइनस का साइन, जिस टर्म पे डेरिवेटिव ले चुके हो उसको एज इट इज रहने दोगे, x पे डेरिवेटिव ले लिया तो x को एज इट इज रहने दोगे, और जिस टर्म पे डेरिवेटिव ले लिया यानी कि नीचे वाली टर्म x plus 1 उसके ऊपर डेरिवेटिव ले लोगे। आई गेस अब क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह। तो क्या आ जाएगा नीचे x plus 1 एज इट इज आ जाएगा, x plus 1 का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, और क्या होगा मेरा बेटा यहां पे क्या हो जाएगा x plus 1 एज इट इज और डेरिवेटिव x के ऊपर x के रिस्पेक्ट से क्या होगा 1 हो जाएगा, माइनस का साइन अगेन ये x एज इट इज आएगा और डेरिवेटिव फिर x प्लस 1 के ऊपर आएगा, तो डेरिवेटिव जब x पे आप लोगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा,
डेरिवेटिव जब ब्रैकेट पे अप्लाई होगा ना एक्स प्लस वन के ऊपर, डेरिवेटिव एक बार एक्स पे भी अप्लाई होगा, फिर वन पे भी अप्लाई होगा, डेरिवेटिव जो एक्स पे अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने बहुत बार आपको बता दिया डेरिवेटिव किसी भी टर्म के ऊपर उसी की रिस्पेक्ट से अगर ले लिया जाए तो वन हो जाता है, और फिर प्लस का साइन एज इट इज, और डेरिवेटिव जब आप वन के ऊपर लोगे तो वन के ऊपर डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो, क्या होता है, जीरो। तो इसको जब सिंप्लीफाई करूंगा मैं क्या बन रहा होगा, ये एक्स प्लस वन एज इट इज, जब ये ब्रैकेट माइनस का एक्स आके पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, सिंपल माइनस का एक्स आएगा और नीचे क्या आ रहा है, एक्स प्लस वन का स्क्वायर। तो इसको खोलने की जरूरत नहीं है, फॉर्मुला अप्लाई करने की जरूरत नहीं, इसको एज इट इज लेने देंगे, एक्स प्लस वन का स्क्वायर और पॉजिटिव एक्स से नेगेटिव एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो सिंपल आपके पास आंसर क्या आ रहा होगा, वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। मेरा बेटा इस टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यूज में आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन ही आपके पास एग्जाम 4.2 में भी गिवन है, परेशान होने की जरूरत नहीं है कि किस टाइप के क्वेश्चन गिवन है, मुझसे पढ़ लो ना, मैं हर तरह के एग्जांपल भी साझा करवाऊंगा, कि जब एक्सरसाइज 4.2 के ऊपर हम जाएंगे ना, यकीन मानो वो तुम्हें एलजेब्रा जैसी जो सबसे थकी हुई मैथ्स की एक्सरसाइजेस होती है ना एलजेब्रा की, मतलब बहुत इजी होती है, उनसे भी आसान तुम्हें डेरिवेटिव का टॉपिक लग रहा होगा, मेरी बात समझ पा रहे हो। जब आप अब बुक के क्वेश्चन अभी हम देखेंगे ना तो आपको बहुत ही आसान लगेगा, या अगर आप अपने फेडरल बोर्ड के क्वेश्चन देखोगे, आपकी जो भी आपकी किताब है बुक मैथ्स की, आप उसके क्वेश्चन देखोगे आपको बहुत बहुत ईजी लगेगा, हमेशा एक्सरसाइज 4.2 को बहुत जल्द सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा किस तरीके से मैंने आपको ये बार बार एग्जाम्पल्स करवाई हैं। एग्जाम्पल्स करवाने का फायदा ये होगा कि आपको वहाँ पे बहुत एक एडवांटेज मिलेगा, बहुत ईजिली आप सॉल्व करोगे। तो हमने डिवीजन फॉर्मुला भी इस क्लास में पढ़ा, क्या डिवीजन फॉर्मुला भी हमने पढ़ा, डिवीजन फॉर्मुला क्या होता है, दो टर्म्स अगर आपस में डिवाइड हो रही हूँ, भाई दो टर्म्स क्या हो रही हैं, आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो क्या उसको डिवाइड करने का तरीका है कि भाई नीचे वाली टर्म के ऊपर स्क्वायर आएगा, वही नीचे वाली टर्म ऊपर पहले लिखी जाएगी, और जो ऊपर वाली टर्म थी उस पर डेरिवेटिव लोगे, देन माइनस का साइन लगाओगे, जिस टर्म पर डेरिवेटिव ले चुके हो उस पर डेरिवेटिव नहीं लोगे, और जिस टर्म पर डेरिवेटिव नहीं ले उस पर डेरिवेटिव ले लोगे। बहुत आसान सा तरीका, मतलब इस तरीके से अगर टीचर बताया तो मुझे जरूर बताना। अब ये दो टर्म्स आपस में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, मैंने इसकी एग्जांपल करवाई आपको, x डिवाइडेड बाय x प्लस 1, तो हमने क्या करा, नीचे वाली टर्म पे स्क्वायर ले लिया, यानी कि x प्लस 1 का स्क्वायर, ऊपर वाली टर्म को उसको एडिटिव लिखा x प्लस 1, और देन डेरिवेटिव ले लिया ऊपर वाली टर्म के ऊपर, माइनस का साइन लगाया, एक्स लिखा है डेरिवेटिव ले लिया एक्स प्लस वन के ऊपर, और देन इसको बहुत इजीली तरीके से सॉल्व कर लिया। आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत बहुत इजीली समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देते हैं, देन इस लेक्चर को एंड करते हैं, देन एक्सरसाइज 4.2 यानी कि इंटरमीडिएट बुक के, इंटरमीडिएट मैथ्स की जो बुक है हमारे पास, उसके क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के ऊपर बैठेंगे इंशाल्लाह। बल्कि बेटा इसी सवाल के उसको एंड करते हैं, देन अब इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के ऊपर जाएंगे, क्योंकि आई गेस एग्जांपल्स मैंने बहुत ज़्यादा करवा दिए हैं। अब इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 4.2 जो कि इंटरमीडिएट मैथ्स की किताब की हमारे पास एक्सरसाइज आ रही है डेरिवेटिव के ऊपर, उसको सॉल्व करते हैं, देन उसको चेक करते हैं, यानी कि अब तो जो हमने फॉर्मुलाज पढ़े हैं, पावर फॉर्मुला हो, चाहे वो एडिशन फॉर्मुला हो, फिर सब्ट्रैक्शन फॉर्मुला हो, डिवीजन फॉर्मुला हो, हम उसको सॉल्व करने के चलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो हम बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, मैंने आपको क्या करा, मैंने आपको दूसरे तमाम टीचर्स के बजाय फॉर्मुलाज लिखवाने के बजाय, मैंने आपको तमाम के तमाम फॉर्मुलाज बहुत ईजिली पहले आपको समझाए, एक्सप्लेन करे, देन उनकी एग्जांपल्स दी। तो अब इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.2 के ऊपर चलते हैं। अच्छा, मैं एक बात बता देता हूँ, एक्सरसाइज 4.2 जो इंटरमीडिएट मैथ्स की किताब है, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। मुझे इंटरमीडिएट मैथ्स के अंदर से कोई टॉपिक पसंद आया सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव का टॉपिक ही है। ये डेरिवेटिव का टॉपिक जो एक्सरसाइज 4.2 चैप्टर नंबर 4 के अंदर मौजूद है, इसके अंदर खास बात यह कि एक्सरसाइज 4.2 पेपर में बेतहाशा बार आने वाली एक्सरसाइज में से है। तो इसकी खास बात यह कि भाई इसके अंदर हमारे पास एक लार्ज नंबर ऑफ टॉपिक्स सिर्फ एक सिंगल एक्सरसाइज के अंदर मौजूद हैं। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज को भी सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं किस तरीके से हम फॉर्मुलाज को वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जरूर देखिएगा, इसके अंदर इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच, हाशिम का साइनिंग ऑफ।